हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, सीन ये है कि आज ये हमाद भाई और शवाब भाई दोनों साथ ही हैं। तो गाइस, ऐसे हुआ है कि ये लकड़ी वाला हुड इधर लगा होता है, जो इलेक्ट्रिक हुड है वो सामने पड़ा हुआ है। हुआ ये है कि जी, ये हुड जो था इधर लगाया गया था, तो इधर जो गैस का पाइप था ऊपर वाले पोर्शन के लिए, उसके अंदर कील लगा दिए गए। बाद में जब गैस खोली है तो पता चला कि यहाँ पर कील है, कील लगाया है वो भी गैस के पाइप में। तो गाइस, ये जब अक्सर ठेकेदार घर बना रहे होते हैं तो ध्यान नहीं करते, वो अपने घर में सुकून कर रहे होते हैं और बाद में पता चलता है कि काम हो गया हुआ है, और ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये ग्रीन पाइप जो गैस का है, इसके अंदर कील लगाया गया है। तो अभी हम इसको रिपेयर करेंगे, तो आप देखिएगा साथ साथ। तो गाइस, आप ये देख रहे हैं कि ये कील देखें आप, सामने नज़र आ रहे हैं। गैस एक देखें, ये भी कील आई ऊपर वाला, इधर ये देखें, ये कील लगा दिया गैस के पाइप में वो भी। तो गैस, अभी हमने ये सोचा है कि ये जो पॉइंट है, अभी हम इसको फुल आगे तक नहीं काटेंगे, इससे बेहतर है अभी हम क्या करेंगे, आर्जी तौर पे अभी बाइक्स की जो और साइकिल की जो ट्यूब होती है उसको पहले इसके इर्द गिर्द मैजिक के थ्रू, ये जो मैजिक होता है डिपॉक्सी, इसके मदद से उसके इर्द गिर्द लपेट के पहले उसको मैजिक से लगाएंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर ये जो क्लिप होते हैं क्लिप टाइट कर देंगे, और ताकि ये फ्री ना हो। ठीक है गाइस, तो उसके बाद हम गैस को खोल के चेक करेंगे गैस लीक होती है या नहीं। तो गाइस, जो हमें चीज़ें चाहिए वो ये है, एक ट्यूब है, ये भी हम इसके इर्द गिर्द लगाएंगे, और ये थोड़ी सी डिपॉक्सी है, और इनमें से क्लिप चूज़ करेंगे। तो गैस, ये जो एक साइड से दूसरी साइड से कील चला गया था, उसको हम दूसरी साइड से भी ज़रा सैंड पेपर से ज़रा रब करेंगे, ताकि ज़रा उस पर जो लाइनें सी बन जाएँ, ताकि उधर भी डिपॉक्सी हल्की हल्की जाए और सफाई हो जाए। तो गैस, अभी जो ये देख सकते हैं आप, इसमें सुराख नज़र आ रहे हैं, तो अभी हमने इसका जो सोल्यूशन फिलहाल सोचा है चेक करने के लिए, क्योंकि अभी हम इसकी फुल टाइम कटिंग नहीं कर सकते। तो ये ट्यूब है, ये बाइक वाली ट्यूब है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, मोटी सी। तो इसके ऊपर हम डिपॉक्सी लगाएंगे, वो जो ट्यूब्स होती हैं दो, वाइट और ब्लैक। तो पहले हम इसके अंदर हल्की हल्की फिलिंग करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर ट्यूब पे डिपॉक्सी लगा के इसके सराउंडिंग पे इसको लपेट देंगे, और फिर नीचे ये क्लिप है ये हम इसके ऊपर कर देंगे टाइट, और फिर देखेंगे हम कुछ दिन के गैस लीक होती है या नहीं। तो गाइस, ये अभी हमने लगा दिया नीचे वाले पे, अब हम ऊपर लगा रहे हैं, टेप लगा दिया है, और नीचे पहले हमने डिपॉक्सी की फिलिंग की है जी। टेप क्यों लगाई है? टेप हमने इसलिए लगाई है ताकि वो जो है ना जोड़ को आपस में पकड़ कर रखे ट्यूब को। अब ये क्लिप है, इसको हम ऊपर ला कर इसके टाइट करेंगे, और ये एक टेस्टिंग फेज है। तो गाइस, ये अभी जो नीचे वाला लीक था अभी भी, तो अभी हम उसको ये इसकी फिल की है, तो अभी इधर हम लोग भी अभी ये इसकी बैक साइड पे भी क्रॉस हुआ था, अब उधर भी डिपॉक्सी लगाएंगे। तो गाइस, अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने ये दोनों पॉइंट को लगा दिया है डिपॉक्सी के साथ ट्यूब वगैरह, अभी हम इसको चेक करेंगे इस लाइटर की मदद से। तो अभी आप देख सकते हैं, ये अगर होती ज़रा भी लीकेज तो ये हमें पता चल जाना था, इधर आग लग जानी थी। ठीक है, तो अभी हमारा जो तजर्बा है वो कामयाब है, तो अभी हम हुड वापस लगाएंगे। तो हम इसे भी आपको चेक करा देते हैं, ये फोम जो होता है सरफ का पानी है, ये देख सकते हैं आप, ये देखें कोई इस पर कोई बुलबुला नहीं बन रहा, इसका मतलब है फिट हो गया सीन। तो ये जी देख सकते हैं आप, हमने इसको कवर कर दिया है बिल्कुल। ये ले जी शवाब भाई ने ये जी बेस बना दी है, क्या बनाइए? ये फ्रेम। चलो ठीक है।